हाय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एडीएस विद्यापीठ। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 7.1। अब अभ्यास 7.1 में आप लोगों का है संख्याओं का भाग। क्या संख्याओं का भाग? पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं भाग कैसे दिया जाता है, कैसे हल किया जाता है, मतलब आप लोगों को पढ़ाया गया है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोगों को भाग के ही बारे में 7.1 जो है भाग ही है। इसमें इसको हम जानेंगे कैसे हल करते हैं, भाग में क्या होता है। तो भाग एक संख्या से, भाग किसी एक संख्या से दूसरी संख्या के विभाजन को हम क्या कहते हैं? भाग। तो भाग में देखिए कई चीज़ होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा भाग का हमारा जो चिन्ह होता है, एक तो सिंपल इस तरह से दिया हुआ होता है डिवीजन का, दूसरा होता है यहाँ पे इस तरह से। ठीक, यहाँ पे एक संख्या रहती है, यहाँ पे एक संख्या रहती है। ठीक, इसको हल करना होता है। तो इसमें सबसे आवश्यक चीज़ होता है ये भी जानना कि कौन सी संख्या को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे जो संख्या रहता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो संख्या रहता है उसको हम क्या कहते हैं, भाग देने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसको क्या कहते हैं, अगर शेष बचता है तो उसको क्या कहते हैं घटाने के बाद। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह संख्या, यह जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक। इस संख्या को हम भाजक कहते हैं। और इस संख्या को यहाँ पे जिसको भाग दिया जाता है, भाज्य। और भाग देने पे जो उत्तर आता है, जो आंसर आता है आपका, उसे भागफल। ठीक, और अगर भाग देने के बावजूद अगर कुछ शेष बचता है, जो भाग देने पे बच जाता है उत्तर में शेष आता है, उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। अब देखिए भाज्य, भाज्य वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य वह संख्या जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है। ठीक, भाज्य जो संख्या होती है जिसको भाग दिया जाता है, और भाजक वह संख्या होता है जिससे भाग दिया जाता है, और भागफल जो भाग करने के बाद उत्तर आता है उसे भागफल, और जो शेष बचता है, अगर शेष अगर बचता है कोई भी संख्या हो, अगर शेष बचता है तो उसको शेषफल। भाग देने के पश्चात जो बची संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अब इसमें इसके कुछ गुणधर्म भी होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुणधर्म में होता है पहला, जैसे मान लीजिए गुणधर्म पहला, गुणधर्म पहला हम आपको बता रहे हैं, धर्म पहला ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब हम थोड़ा उदाहरण में आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए 525 है, ठीक, भागा 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भाज्य कौन है, यह संख्या है। भाज्य इसी को कहते हैं ना, जिसको भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। और भाजक कौन सी संख्या,
जिससे भाग दिया जाता है, यह संख्या को हम क्या कहेंगे? भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। इस पांच को हम क्या कहेंगे? भाजक। और भागफल, अब भाग देने के उपरांत जो उत्तर आएगा उसे हम भागफल, चलिए इसको हम भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए पाँच एकम पाँच कट गया दो, छोटी संख्या है, जाएगा नहीं भाग देने पे, तो एक संख्या और उतारेंगे यहाँ पे पाँच। तो जैसे आपको पता है नीचे अगर दो संख्या हम उतार रहे हैं, ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो बीच में एक जीरो बढ़ता है, ठीक है, यह भाग का गुणधर्म होता है, नियम होता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने पाँच एकम पाँच यहाँ पे किया, तो पाँच में से पाँच को घटाएंगे, यहाँ कट गया, तो हमने एक संख्या पहले यहाँ उतारा, नीचे लाया, कितना? दो। अब दो क्या है? पाँच से छोटा है, इसके पहाड़े में आता भी नहीं है, तो अब फिर एक संख्या और हम उतारेंगे यहाँ पे, तो अगला पाँच है, तो पाँच को हमने यहाँ नीचे उतारा, ठीक। अब यहाँ पे हमने कितने संख्या उतार दिए? एक और दो, ऊपर से यहाँ हमने दो संख्या लिया, तो जब दो संख्या लेंगे तो बीच में एक जीरो हम अपने आप यहाँ लिखेंगे। अब हल करेंगे फिर, अब पाँच का पहाड़ा पच्चीस आ जाए, तो पाँच पचे पच्चीस, यह आपका कट गया, तो यह जो संख्या 105 जो आया है वह क्या हुआ? भागफल। धन शेषफल, शेषफल में कुछ नहीं है, जीरो है, यह इसलिए है जैसे भाज्य 525 बराबर। अब इतना करने के बाद अगर 525 हमें मिलता है, आता है आंसर, तो यह जो हमने भाग जो हल किया है, सवाल जो हल किया है, वह उसका मतलब सही है। तो यहाँ पे देखिए भाजक कितना है? पाँच गुणे भागफल कितना आया है? 105, ठीक। धन शेषफल में क्या है? जीरो, कुछ नहीं है, जीरो, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे 525 बराबर, अब गुणा करते हैं अगर, तो 5 पचे 25, 5 सुनैया शून्य दो हो गया, और 5 एकम 5, धन जीरो है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, 525 बराबर 525। यह संख्या और यह संख्या क्या हुआ? एक समान, मतलब एक बराबर, 525 ए भी है, 525 ए भी है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जो ये सवाल हमने हल किया यह क्या है? सही है। इसलिए यह इस तरीके से गुणधर्म जो आपको पहला हम जो नियम बता रहे हैं यह ध्यान से देख लीजिएगा इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो है आपका, किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए गुणधर्म दूसरा, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 25 है भागा एक, तो 25 में एक से भाग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? अरे एक दो आए दो होता है, आपको पता है, कट गया तो पाँच आया, एक पचाए पाँच होता है, पाँच कट गया कितना आया? 25। मतलब कोई भी संख्या हो यहाँ पे, चाहे एक अंक में हो, चाहे दो अंक में हो, चाहे तीन अंक में हो, चाहे कितना हूँ अंक में हो, अगर उसको हम एक से भाग देना रहेगा तो भागफल कितना आएगा? वही संख्या आएगी, जितना से जितना, मतलब भाग जिसको भाग देना रहता है उतना आएगा। तो यहाँ अगर कोई भी संख्या है, अगर एक से हम भाग देते हैं तो वह क्या आएगा? 25 ही आएगा। कोई भी संख्या इस तरह से रहे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 5315 भागा एक, अगर एक से हम भाग करेंगे तभी कितना ही आएगा? 5315 ही आएगा आंसर। चाहे एक भागा 5315 करिए तब भी कितना आएगा? 5315। तीसरा है आपका, किसी भी संख्या में,
किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग देते हैं तो वह संख्या कितना आता है। अगर किसी संख्या को हम जीरो से भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो। अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तब भी आंसर कितना आएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए 5 / 0 कितना आंसर आएगा, जीरो। 5 में भाग करेंगे जीरो का तो जीरो का मतलब जीरो पचाए क्या होगा, जीरो का मतलब कुछ होता नहीं है, तो 5 बार में क्या होगा, वो भी जीरो ही होगा। अगर जैसे जीरो है में 5 का भाग देंगे तभी कितना आंसर आएगा, जीरो। मतलब जब कोई संख्या है ही नहीं तो हम कितना हूँ से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अब अगला आपका गुणधर्म, इसमें ध्यान देना है, गुणधर्म चौथा है आपका। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो भाग पर क्या आएगा, एक आएगा। जैसे 5 है, 5 / 5 बराबर कितना आएगा, एक। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या है, अगर उस संख्या को उसी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल आएगा क्या आएगा, एक आएगा। चाहे यह संख्या एक अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे कितना हूँ अंक का हो। जैसे 2535 भागफल कितना आएगा, एक। जब उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आएगा, एक आएगा। और दूसरा इसमें आप ध्यान दीजिए, गुणधर्म पांचवा में देख लीजिए अगला जो होगा। इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 / 1 तो एक से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, 5। अभी जो मैंने आप लोगों को जो भी गुणधर्म 2-4 बताए हैं उसको आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब आपका अभ्यास 7.1 में पहला जो दे रहा है, लिख रहा है निम्नलिखित को भाग दीजिए, इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं उसको दे रहा है कि हल करिए, मतलब भाग दीजिए ए। और ए में है दिया है 56, ठीक, 56 से भाग दे रहा 6883 भागा 56, मतलब इसमें अब जो है ये क्या है आपका भाज्य है और यह भाजक, ठीक है। तो 6783 को 56 से भाग दीजिए, इसको हमें भाग देना है। तो अब जैसे 56 का मान लीजिए पहाड़ा तो ज़्यादा करके लोगों को नहीं याद होता है, तो आप उसके लिए जैसे गुणा कर लेंगे कि 56 में हम कितने बार में, जैसे भाग का मतलब आप लोग जानते हैं, पिछले ही क्लासों में बताया गया है। हम ये देखते हैं कि कितनी बार में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 63 है, ठीक, अब 9 से भाग देना है तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि जो पहली यहाँ से संख्या है हम इकाई के तरफ से नहीं, उसके आगे जो भी संख्या रहती है, चाहे वो सैकड़े में हो, चाहे हजार में हो, चाहे मान लीजिए 10,000 में हो, तो हम इस तरफ से हल करना शुरू करते हैं, बाएं साइड से शुरू करते हैं। तो यह पहली संख्या कितनी है यहाँ पे, 6। अब देखते हैं कि 9 जो 6 में ये अंतर देखेंगे, यह छोटा है कि बड़ा है, तो यह 6 क्या हुआ, छोटा है ना। इसके पहाड़े में यहाँ हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना होता है, जिससे हम भाग देते हैं इसका हमें पहाड़ा पढ़ना होता है। और जो संख्या यहाँ रहती है हम देखते हैं वो कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है कि 3 बार में आ रहा है, तो जितने बार में आता है वह बार जो है कितने बार में आया, एक बार में आया तो 1 जो है यहाँ लिखते हैं, 2 बार में आया तो 2 यहाँ लिखेंगे, 5 बार में आया तो 5 यहाँ हम लिखते हैं। तो 6, अब 9 के पहाड़ा में 6 तो आता नहीं है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों संख्या ले लेंगे, तो दोनों संख्या कितना हो गया, 63। अब जो 63 है हम अब यहाँ पे अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि कितने बार में 63 आपका आ रहा है। तो चलिए पढ़िए, 9 को 9, 9 दुनिया 18, 9 त्रि 27, 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45, 9 छके 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72।
अब अगर 8 बार में हम लेते हैं, 9 8 कितना होता है 72, 72 क्या हो जा रहा है, इस 63 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे कितना, या तो जितनी संख्या है 63 है तो 63 आना चाहिए, नहीं तो 63 से कम, 63 से कम हमें यहाँ लिखना होता है। तो 9 7 63 हमारा 9 7 7 बार में कितना आ रहा है 63, मतलब जो संख्या यहाँ पे है वह पूरा आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम 63 लिख देंगे, इकाई के जगह इकाई का, दहाई के जगह दहाई। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अगर घटाने के बाद यहाँ छोटी संख्या रहती, घटाने के बाद कुछ रहता तो वही क्या हो जाता है, शेषफल होता है। और यह क्या हो गया, भागफल हो गया। यह क्या है, भाजक है। यह क्या है, भाज्य है। ये याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आंसर में जो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, भागफल बराबर 7 और शेषफल बराबर कुछ नहीं है 0। जब शेषफल में अगर 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, अगर लिख देते हैं तब भी ठीक है। तो इस तरह से हम भाग को हल करते हैं, इस नियम से, इस तरीके से हम हल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। अब 56 का है, देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक है तो 2 अंक पहले लेंगे, तो यहाँ दोनों अंक कितना है 67। अब 56 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 56 एकम में, यहाँ ऊपर 1, यहाँ कितना 56। अब घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1 बचा, और यहाँ 6 में से 5 गया 1 बचा, तो कितना बचा है 11। अब जब 11 है तो 11 क्या है, इससे छोटा है, तब यहाँ पे हम ऊपर से एक संख्या नीचे लाएंगे तो कितना हो गया, यह 118 हो गया। अब 56 का देखेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 118 आ रहा है, तो 56 दुना, देखिए 56 दुना 6 दुनी 12 2, हाँ सिर्फ चल 1 5 दुनी 10 1 11, 112 आ रहा है, 56 गुना 112, ठीक। और अगर 3 बार में करते हैं तो यह 118 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में ही 112। अब इसको फिर घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब फिर अगली संख्या कितनी है, 3 3, यहाँ लिखे फिर उतारेंगे, फिर 56 एकम 56, एक ही बार में ना, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में आपका हो जा रहा है 112, तो 56 एकम 56। फिर इसको घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7 और 6 कितना 13, 7 बचेगा, और यहाँ कितना हुआ 5, यहाँ से लिया था ना, तो यहाँ 5 बचा, 5 में से कुछ नहीं 7। अब इसको लिखेंगे हम इस तरह से, हल करेंगे और लिखेंगे भागफल बराबर कितना है 121, 121, और शेषफल, यहाँ शेष बचा है तो शेषफल कितना है 7। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसको हल करिएगा, हल करने में ध्यान दीजिएगा हमेशा, जैसे यहाँ 56 एकम 56 हमने लिखा है तो यहाँ संख्या के नीचे संख्या होना चाहिए, इधर का उधर नहीं होना चाहिए, जो भी संख्या हम लिखेंगे तो उसके नीचे ही नीचे लिखेंगे, घटाने पर भी उसी के नीचे, ऐसे करके संख्या अगर उतार रहे हैं तो उसी के नीचे होना चाहिए, और फिर अगर कोई अगला लिखते हैं तब भी, मतलब क्रमवद से उसी सही तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब इसी में अगला एक का पहला का ए हमने हल करके बता दिया। अब डी, 1786 भागा 47, 47 से यहाँ भाग करना है, ठीक। तो उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे अभी पीछे आप लोगों को हल करके बताया है, तो उसी तरीके से यहाँ भी हम हल करेंगे। तो यहाँ अब देखिए, अब 47 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ 17 छोटा है, 3 अंक लेंगे तो कितना हो गया 178। अब 47 में अब देखेंगे कितने बार में, मतलब 178 हो जाए इसके नीचे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 3 बार में देखिए आप लोग, 3 बार में यहाँ हो गया 21,
और 14, 141, तीन बार में कितना आएगा 141। अगर चार बार में करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर चार बार में देखिए अगर कर लीजिए तो 28 और 14 100 दो बच्चा और चार चौका 16 और 18 188, ये ज़्यादा हो जाएगा। 78 है ना, यहाँ पे 188 है, तो इसलिए 141 तीन बार है। अब इसको घटाएंगे, आठ में से एक गया कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा है 7, मतलब है ही इतना, तो 4 3 हुआ, यहाँ कुछ नहीं। अब 37, 47 बड़ा है या छोटा है, फिर ऊपर से एक संख्या हम नीचे लेंगे 6, अब 376 है। अब 376 देखेंगे कितने बार में जा रहा है, देखिए 8 बार में, 56, 6, 5 बचा, 8 चौक 32, 32 पाँच 37, 376, 8 बार में आपका यह पूरा 376 आ रहा है। तब इसको घटाएंगे, कट गया कट गया कट गया। अब इसका जो होगा भागफल बराबर 38, शेषफल में कुछ नहीं है तो हम यहाँ शेषफल नहीं भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस भागफल बराबर कितना 38। इस तरह से आप इसको हल करेंगे और हल कर करके यहाँ के नीचे इसको लिखेंगे, यह लिखना अनिवार्य है इसमें कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है। अब इसमें और एक सवाल आप लोगों को हल करके बता दे रहे हैं, अब पहले का यच जो है दे रहा है 8241 भागा 92। अब 8241 को कितने से भाग करना है, 92 से, 92 से भाग देना है। तो फिर उसी तरीके से जैसे नियमबद्ध जैसे हमने अभी बताया है सेम उसी तरीके से हल करते जाना है। ये अब देखिए यहाँ पे दो अंक 82, दो अंक यह है, दो अंक हमने लिया है 82, 82 क्या है छोटा है इससे, तब क्या करेंगे तीन अंक लेंगे, कितना तीन अंक, तीन अंक ले रहे हैं कितना हो जा रहा है 824। अब 92 में अब गुणा करेंगे या देखेंगे कितने बार में 824 आ रहा है, अगर 824 नहीं आ रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए कम होना चाहिए, 824 से कम होना चाहिए, चाहे एक चाहे दो चाहे 823 आ जाए चाहे 822 आ जाए, मतलब 24 से ज़्यादा नहीं, या तो 24 824 या 824 से कम, चाहे कितना हो कितने बार में हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें भाग करेंगे हम तो देखेंगे आठ बार में, देखिए आठ बार, आठ दूनी 16, 6 एक बचा, 8 नवा 72, 72 एक 73, यही आएगा ना, 8 दूनी 16 के 6 एक बचा, 8 नवा 72 एक 73, 736। अगर मान लीजिए यहाँ 9 बार में करते हैं, देखते हैं 8 बार में कितना आया 736, 9 बार में करते हैं अगर, तो यहाँ 9 बार में करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा एक बचा, और 9 9 81 एक 82, 9 दूना 18 8 एक बचा, और 9 9 81 एक 82, 828, 824 है, तो ये ज़्यादा हो रहा है 828, इसलिए 8 बार में 736। अब इसको इसके नीचे इसी तरह से लिख के घटाएंगे, अब 14 है, 14 में से 6 कितना बच जाएगा 8 8, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचा, ठीक, यहाँ पे एक बचा है, अब ये अगले से हाथ से ले ले जाएगा 11 11 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब यहाँ 7 7 में से 7 गया कुछ नहीं, ये कितना हो गया 88, और यह एक आप यहाँ पे उतार लेंगे, इसलिए 88 दो अंक में यह छोटा हो जा रहा है। अब 92 नवा देखिए, अभी देखें 9 बार में, तो 9 दुनिया 18 के 8 हासिल कितना हुआ एक हुआ, और 9 9 81 एक 82, 828,
अगर मान लीजिए ज़्यादा हो जाएगा तो इससे होगा यहाँ पे 828, तो घटाएंगे सेम उसी तरीके से, ये मतलब 8 जाएगा नहीं, 11 में से 8 गया 3, फिर यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ कुछ नहीं, ये कितना बचा 53। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल बराबर 89, शेषफल बराबर 53। तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अब इसमें अगला जो आपका सवाल दे रहा है, दूसरा नंबर पे है, दिया है आपकी किताब में, यदि भाज्य तथा भाजक निम्न हो तो भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक क्रम में बनाया हुआ है, क्रम संख्या ए में दे रहा है भाज, मतलब ऐसे क्रम संख्या लिखा है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। अब इसके नीचे क्रम संख्या में ए में पहला जो सवाल है आपका 8732, भाजक कितना है 23, जो इसके नीचे है यह भाज्य है यह भाजक फल, और इसको हल करने के बाद भागफल और शेषफल हमें इस खाली स्थान में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य कितना है 8732, भाजक कितना है 23, कहने का मतलब है 8732 को 23 से हमें भाग देना है। तो इस तरह से किताब में दिया है, आप लोग हल जब करेंगे यहाँ पे तो ए का जो हल करेंगे तो इसको हम 8732 भागा कितना 23 इस तरह से भाग देंगे। अब जब भाग देंगे हम तो इसको हल करेंगे, देखेंगे कितना भागफल और कितना शेषफल आ रहा है। तो 23, अब 23 का यहाँ पे दो अंक लेंगे, जब दो अंक है तो देखेंगे कि 87 से ज़्यादा ना हो, और कितने बार में हो रहा है। तो 23 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 तिया कितना होगा 69, 23 तिया कितना 69। चार बार में 23 चौका आपका हो जाता है 92, कितना हो जाता है 92, तो 92 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 23 तिया 69 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 17 में से आपको 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना आएगा 8। अब यहाँ कितना है 7, 7 में से 6 गया 1, ये कितना हो गया 18। अब नीचे से एक संख्या लेंगे 3, अब ये कितना हो गया 183। अब कितने बार में 7 बार में, कितने बार में जाएगा 7 बार में, तो कितना आएगा 161। तो अब इसको घटाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 8 में से 6 गया 2, कट गया 2, कितना हो गया, अब यह आ गया आपका 222। अब 23 नवा आपका होगा 207। अब इसको घटाइए 12 में से 7, 6, 5 बचे, कितना आएगा 5। अब फिर यहाँ कितना है 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं 15। तो ये क्या हो गया 15 शेषफल। अब यहाँ पे देखिए भागफल कितना आया है 379 और शेषफल 15। तो इस तरीके से जो कालम आपका बनाया है उसमें हम इसको भरेंगे। तो जब हल करेंगे आप इसी तरीके से उसको हल करके जो भागफल आएगा तो भागफल में, जो शेषफल आएगा शेषफल में इसको भर देंगे। तो आगे इसमें और भी सवाल है जो आप लोग स्वयं उसको हल करिएगा, और अगर किसी प्रकार की समस्या इसमें आती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं।